मध्य प्रदेश के खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीपैड पर उतरे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात के बाद और सीधे हरसूद रोड स्थित रविंद्र भवन के लोकार्पण के लिए यहां पर पहुंचे। भवन के लोकार्पण के बाद उन्होंने पौधारोपण किया। इसके बाद इसी भवन में मुख्य आयोजन के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,29,292 हितग्राहियों के खाते में 627 करोड़ रुपए का वितरण किया और इस दौरान उन्होंने आवास योजना के 4 हितग्राहियों को आवास की चाबी भेंट की। 50,253 हितग्राहियों के आवास निर्माण का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान संजय महाजन की टीम ने नर्मदाष्टक की प्रस्तुति की। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश का कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। 2024 तक हम सभी गरीबों को घर उपलब्ध करवा देंगे। जिनके पास भी जमीन नहीं है उन्हें पट्टा देकर उनका घर बनवाएंगे। कॉलोनी बैध कर रहे हैं और एक बात और है, कई ने मकान बनाया वो थोड़े बहुत ज्यादा बना लिए। अब ज्यादा बना लिए तो वो तो गलत है। तरीके दो है, एक तो तोड़ दो, लेकिन हमने तय किया कि जो सामान्य अपने मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय गरीब भाई बहन उनने मकान बनाया है ज्यादा में भी तो कंपाउंडिंग करके उसको हम वैध कर देंगे एक निश्चित सीमा तक। जो वैध हो जी हथौड़ा फोड़ी करेंगे, गुंडे बदमाश माफिया गड़बड़ करने वाले होंगे तो ठीक करेंगे, वो मैं दो टूक कहता हूं। बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। हमने जो योजना बनाई पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो और चाहे नगर पंचायत हो, सबका विजन हमने तैयार किया है और 44,000 करोड़ रुपया आने वाले वर्षों में शहरों के विकास में खर्च किया जाएगा। अब आज यहां से डिटेल नहीं बता रहा, आपके यहां कुछ जगह आके बताया, कुछ जगह आके बताऊंगा, खंडवा वालों को मेडिकल कॉलेज में बताऊंगा कि क्या क्या करेंगे हम। थोड़ी कड़की जरूर है लेकिन पैसा तो जुटाना पड़ेगा। शहरों में सारी बुनियादी सुविधाएं, चाहे सड़कें हो, पीने का पानी हो, पार्क हो, परिवहन की सुविधा हो, सब ठीक ढंग से उपलब्ध कराने का काम करना है। स्ट्रीट वेंडर जो छोटे छोटे व्यापारी, उनके खाते में 10-10,000 रुपया बिना ब्याज के जाएंगे ताकि उनका काम धंधा पटरी पे आ सके। सबकी चिंता करनी है। जिस शहरों का चतुर्दिक विकास, शहरों में गरीबों को रोजगार, अब इतनी कड़की में भी हमने कोशिश की कि डेवलपमेंट के काम के लिए पैसे की कमी ना रहे। थोड़ी दिक्कत है पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योगों से रोजगार, अब ये कपास का निर्माण तो यहां का कपास, यहां की मिर्ची, यहां के केला, यहां के फल, केला, कपड़ा, कपास, यहां के किसान इतने परिश्रमी हैं जिसकी कोई हद नहीं। सभी शहरों में दीनदयाल रसोई ताकि सस्ता भोजन मिल जाए। खंडवा में चल रही कि नहीं दीनदयाल रसोई? चल रही है, भोजन भी मिल रहा है कि वैसे चल रही मिल रहा है? चलिए धन्यवाद आपको। ये जितनी सुविधाएं ये चाहिए गरीब को भी, आम आदमी को भी, चिकित्सा की सुविधाएं चाहिए। और ये पूरे प्रदेश भर के हमारे नगरीय निकायों के
प्रतिनिधियों को भी मैं आश्वस्त करता हूं, भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं, मेरे विधायक सांसद उनको आश्वस्त करता हूं, शहरों का विकास, शहरों में रोजगार, शहरों में बुनियादी सुविधा, इसमें